क्या कहा मम्मी आपने, भाभी ढोकले बना रही है, तो बस बनते ही फटाफट पैक करके यहाँ पर भी भिजवा दीजिएगा। मेरे तो ढोकला शब्द सुनते ही मुँह में पानी आ गया। और आजकल तो मम्मी जी भी आई हुई है, उनको भी ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है। नीतू ने जैसे ही सुना कि मायके में उसकी भाभी ढोकला बनाने जा रही है, तो फिर तो ढोकला का नाम सुनते ही फटाफट अपनी मम्मी से भिजवाने की फरमाइश कर डाली। सही बात, एक ही शहर में मायका होने का यही तो आराम है, जब जी चाहे तब अपना मनपसंद मंगा कर खा पी लो। लेकिन वहीं पर बैठी उसकी सासू माँ प्रीति को तो इस तरह बेबाकी से कुछ भी मायके से मंगवाने के लिए थोड़ा अजीब सा भी लगा कि ये क्या, ये अपने मायके से खाने पीने का सामान मंगवा रही है। लेकिन कुछ सोचकर फिर भी शांत बनी रही। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति क्या देखती है कि नीतू के पापा ढोकले का टिफ़िन लिए हुए दरवाजे पर खड़े थे। और समधी जी का इस तरह दरवाजे पर टिफ़िन लेकर खड़े होना, ये तो प्रीति को और भी नाकवार गुजर दिया। लेकिन शायद नीतू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा लग रहा था। और वो तो बस फटाफट रसोई में गई और दो प्लेट में ढोकला निकाल कर ले आई और खाने में मशगूल हो गई। तभी नीतू ने देखा कि प्रीति तो खा ही नहीं रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों नहीं खा रही हैं, नीतू ने आश्चर्य से पूछा। बस अभी खा रही हूँ, अब मरता क्या ना करता। प्रीति को भी खाने ही पड़ गए, क्योंकि कुछ भी बोलकर नीतू का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। आखिर वो नीतू के पास आई ही कितने दिनों के लिए है, क्यों बेकार में उसका मूड ऑफ करना। नीतू और सुमित की मनपसंद शादी हुई थी और सुमित उसी शहर में अपनी नौकरी के कारण वहीं पर रहता था। वहीं कहीं पर ही सुमित और नीतू की मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्यार भी हो गया। प्यार ऐसा हुआ कि सुमित ने नीतू से शादी करने को ही की ही बात प्रीति से कह डाली। खैर, पढ़ी लिखी और सरल स्वभाव की प्रीति को कोई आपत्ति भी नहीं थी कि आजकल बच्चे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। प्रीति और उसके पति गोपाल ने सहर्ष उसके प्यार को स्वीकृति दे दी। लेकिन प्रीति अपने पति और अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी। शादी में ज़्यादा दिन नीतू उसके पास रह नहीं पाई, तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण वो अपने बहू बेटे के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गई। लेकिन गोपाल को बैंक से छुट्टी नहीं मिली, तो वो साथ में नहीं आ पाई। खैर, अभी एक दो दिन ही और बीते थे कि नीतू ने सामने से ही अपनी मम्मी से चोखा बाटी की फरमाइश कर डाली। मम्मी, बहुत दिन हो गए बाटी चोखा नहीं खाया, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है खाने का। प्रीति तो अवाक सी नीतू को देखती रही कि कैसे इसने फटाक से अपनी मम्मी पर बाटी चोखा की जिम्मेदारी डाल। ठीक है बेटा, मैं बनाकर भेज देती हूँ, सुशीला ने शांत होकर कहा। और हाँ मम्मी, थोड़ा ज़्यादा ही भेजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुमित को बाटी चोखा दोबारा गर्म करके खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये भी आप जानती ही हैं कि मम्मी जी भी आई हुई है, तो थोड़ा ज़्यादा ही, नीतू ने इटलाते हुए कहा। हाँ ठीक है बाबा, तुम चिंता ना करो, मैं ज़्यादा ही भेज दूँगी, इतना कहकर सुशीला ने फोन रख दिया। प्रीति को फिर ये हरकत नीतू की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन शाम को ही फिर उसके पापा बाटी चोखा का टिफ़िन लिए दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि नीतू का भाई नौकरी करता था और देर शाम को ही वापस आ पाता, इसलिए हर सामान उसके पापा को ही देकर आना पड़ता। फिर समधी जी का इस तरह टिफ़िन लेकर आना कहीं ना कहीं खटक गया प्रीति के अंदर। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर कुछ टोकती हूं तो नीतू को बुरा लगेगा, और अगर नहीं टोकती हूं तो मुझको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रीति ने किसी तरह से अपने मन को ना बोलने के लिए मना ही लिया। अभी दो एक दिन और बीते, फिर नीतू ने किसी चीज़ की फरमाइश अपनी मम्मी से कर डाली। अब तो सचमुच प्रीति की सहन शक्ति के बाहर हो गया। नीतू रूठे तो रूठे, लेकिन उसने नीतू से बात करने की ठान ही ली। अब तो सचमुच बर्दाश्त के बाहर हो रहा है।
और उसी दिन दोपहर को, नीतू बेटा मुझको तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रीति ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है, कुछ चाहिए आपको, कुछ मंगवाना है बाज़ार से या कोई और बात है, नीतू प्रीति के पास बैठते हुए बोली। क्योंकि नीतू अपनी सासू माँ से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि प्रीति नीतू को बहुत लाड प्यार से रखती थी और इसलिए उसको तो कभी प्रीति के अंदर सासपना दिखाई ही नहीं पड़ा, हर तरह से आज़ाद ख्यालों की। नहीं नीतू बेटा, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ भर भर कर दिया है। और रही तुम लोगों से कुछ चाहने की बात, तो तुम लोग बिना मेरे कहे ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो कि मैं सचमुच तुम लोगों के व्यवहार से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मुझको तो किसी और ही विषय पर बात करना है, प्रीति ने भूमिका बांधते हुए कहा। खुलकर बताइए ना मम्मी जी, इतना संकोच क्यों कर रही हैं आप, मैं तो आपकी बेटी के ही सम्मान हूँ ना। नीतू ने प्रीति का संकोच दूर करते हुए कहा। नीतू बेटा, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कहूँगी ज़रूर, प्रीति ने सीधे साधे शब्दों में कहा। हाँ मम्मी जी बताइए, नीतू ने फिर से कहा। नीतू बेटा, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मायके से फरमाइश करके कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान मंगवाती रहती हो, वो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर दूसरी बात तो और भी ज़्यादा मुझको ख़राब लग रही कि तुम्हारे पापा बेचारे तुम्हारी हर फरमाइश पर दौड़ चले आते हैं, तुमको उनके बारे में भी सोचने का मन नहीं करता कि क्या अच्छा लगता है कि वो इस उम्र में तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए दौड़ चले आते हैं, मुझको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, प्रीति ने नीतू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। अरे मम्मी जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी मम्मी और भाभी सब कुछ तो खुशी खुशी भेज देती हैं मेरे लिए, और पापा को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पर आना, वरना वो इस तरह दौड़ कर ना आते, नीतू थोड़ा लापरवाही से बोली। नीतू बेटा, बुरा मत माना, लेकिन शुरू शुरू में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और यही सब जब आदत बन जाती है ना तो रोज़ रोज़ होने लगता है, तो माँ ही क्यों ना हो, खलने लगता है। और तुम्हारे घर में तो भाभी भी है, माना कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को अगर भाभी ने तुम्हारी मम्मी से कुछ टोक दिया तो क्या तुम्हारी मम्मी को अच्छा लगेगा, और पापा भी कोई कम उम्र के भी नहीं हैं, जरा उनके बारे में भी गंभीरता से सोचो, वो लोग तो तुम्हारे लाड़ दुलार के कारण मजबूर पड़ जाते होंगे, ज़रा ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचना, प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा। आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं मम्मी जी, मैंने तो इस बारे में कभी गंभीरता से सोचना ही नहीं चाहा, मैं तो यही सोचती हूँ कि वो मेरा मायका है और वहाँ की हर चीज़ पर मेरा पूरा हक है, लेकिन आपने मुझको सचेत करके बहुत अच्छा किया, वरना तो मैं हमेशा ही यही करती और जब कभी ठोकर लगती तो सचमुच बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता, नीतू की आँखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। और फिर नीतू बेटा, तुम खुद हर चीज़ बना लेती हो तो इतना आलस्य क्यों, और जो चीज़ नहीं बना पाती तो वो अपनी मम्मी से या मुझसे पूछकर बनाओ, हम लोग आगे बढ़कर सिखाएंगे, उनको और मुझको दोनों को ही अच्छा भी लगेगा कि तुम आगे बढ़कर सीखने का प्रयास कर रही हो। प्रीति ने गरम लोहा देखकर अपनी बात कह दी। सॉरी मम्मी जी, आपने मेरी सचमुच आँखें खोल दी, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी, लेकिन अब मैं मम्मी से कहकर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि खुद सब कुछ अपने हाथों से ही बनाने का प्रयास करूंगी, नीतू ने सचमुच पछताते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी मदद करेंगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी मदद, और भी, और फिर अभी तो मेरे स्कूल की एक महीने की छुट्टियां हैं और पूरे एक महीने में तुम्हारे पास रहने वाली हूँ, जो भी जी में आए वो सीख लो, प्रीति ने नीतू के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा। थैंक यू मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, नीतू बहुत खुश होकर बोली। तो फिर जरा बताओ कि आज हमारी बहू रानी क्या बनाने का सोच रही है, प्रीति ने सिहाते हुए पूछा। मम्मी जी,
आज मुझको आप दाल टिक्की बनाना सिखाइए, क्योंकि समीर को दाल टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा था और मुझको भी खानी है, लेकिन मुझको बनानी नहीं आती। नीतू ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ठीक है चलो रसोई में और फिर तैयारियां शुरू करो। आज डिनर में तीन लोग एक साथ बैठकर दाल टिक्की का आनंद उठाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति रसोई में नीतू को दाल टिक्की बनाना सिखा रही थी।